हेलो फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेजिडेंशियल स्कीम के ऊपर। उसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई हैं हमारे लैंडलाइन नंबर पे, हमारे बोर्ड नंबर पे। हमारे पास काफ़ी रिव्यूज़ आए हैं, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है। जो लोग जानना चाहते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज के समय में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मौजूदा स्थिति है, वहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर, वहाँ के इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, वहाँ क्या डेवलपमेंट है, वहाँ क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में आ चुकी हैं, क्या हम वहाँ आज प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि हम आपको एक्चुअल में ले जाके एक्चुअल सेक्टर्स, उनके ब्लॉक्स, उनके रोड की डेवलपमेंट, उनके लाइट की कंडीशन, पानी की सिचुएशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब चीज़ों पे एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाए, आपको दिखाया जाए कि एक्चुअल में यमुना एक्सप्रेसवे में आज के समय में क्या स्थिति है। इस वीडियो को अंत तक देखें, हम आपको पूरा यमुना एक्सप्रेसवे की डिटेल शेयर कराने वाले हैं और उसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। साथियों, आज हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे। ये हमारा परिचौक है, ग्रेटर नोएडा का मेन चौराहा है और आज हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की सारे के सारे सेक्टर विजिट करने, वहाँ की सारी डेवलपमेंट देखने, क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या एक्चुअल में प्रोग्रेस है, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। आप देख रहे हो ग्रेट नोएडा कितनी भीड़ भाड़ हो गई है। ग्रेट नोएडा पूरी तरह से शहर बन चुका है। जो लोग सोचते हैं ग्रेट नोएडा बहुत रिमोट लोकेशन पे है, देखिए ग्रेट नोएडा में यहाँ ट्रैफिक का जाम भी लगने लगा है। और ये हमारे शहर की सबसे खूबसूरत चौराहा परी चौक। आइए आपको लेके चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। ये फव्वारे चल रहे हैं हमारे शहर का एंट्री पॉइंट और सामने आपको दिख रहा है मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो हमारी सीधी नोएडा से आती है और ये हमारा अल्फा वन का परी चौक का मेट्रो स्टेशन है। इसके बाद अल्फा वन का मेट्रो स्टेशन है और आपके लेफ्ट साइड में एनआरआई सिटी है, राइट साइड में अंसल प्लाजा मॉल है। ये हमारा परी चौक का जेपी ग्रीन्स के नाम से मेट्रो स्टेशन, ये ग्रेटर नोएडा का दूसरा मेट्रो स्टेशन होता है। अब हमने शुरू कर दिया है ग्रेटर नोएडा, नोएडा के एक्सप्रेसवे से लेफ्ट कट लिया है हमने। ये हमारा क्लोवर लीफ है, यहाँ से हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से जेवर 38 किलोमीटर है, अलीगढ़ 100 किलोमीटर है, मथुरा 126 किलोमीटर है, आगरा 185 किलोमीटर है और ये हमने शुरू कर दिया है यमुना एक्सप्रेसवे में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको जीरो पॉइंट पे ले के चलते हैं। ये हमारा जीरो पॉइंट, यहाँ से सभी आगरा मथुरा जाने वाले लोगों को बसें मिलती हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, अभी दोपहर का समय है इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है। आइए, यहाँ लिखा दिख रहा है आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ आपको यमुना एक्सप्रेसवे की सैर कराने। ये हम खड़े हैं जीरो पॉइंट पर, जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है और साथ ही आप देखेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि जेवर के अंदर बनने वाला है। तो आज हम चलते हैं आपको पूरा यमुना एक्सप्रेसवे की डिटेल शेयर कराने, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक सेक्टर के बारे में पूरी आपसे चर्चा करेंगे और जितना संभव होगा आपको जानकारी देंगे। ये है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर में यह एकमात्र सरकारी यूनिवर्सिटी है। यह परी चौक से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तो आप यहाँ बस, ऑटो या अपने वाहन से आ सकते हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ आपको मेट्रो की सुविधा जल्द ही मिलेगी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की खूबसूरत बिल्डिंग और ग्रीनरी इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसा लुक देती है। यह 480 एकड़ में फैली हुई है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी लेकिन 2008 से इसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अ
आइए अब हम चलते हैं सेक्टर 17A की तरफ। ये यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे पहला सेक्टर है जो कि लेफ्ट साइड में पड़ता है। ये एक इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, इसके अंदर 16-17 इंस्टीट्यूशनल के प्लॉट्स हैं जिसमें मुख्य रूप से नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी फंक्शनल है। साथ ही इसमें दो टाउनशिप भी हैं, SDS NRI टाउनशिप जो कि 75 एकड़ में है, इसके अंदर प्लॉट हैं, अपार्टमेंट हैं, विला है। और दूसरी टाउनशिप है सुपरटेक अप कंट्री, ये भी एक रेजिडेंशियल टाउनशिप है, ये 100 एकड़ की है, इसके अंदर प्लॉट हैं, विला हैं, अपार्टमेंट हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सबसे पहले पड़ती है इस सेक्टर में, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें एक हॉस्पिटल भी है जो कि निम्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अभी आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है उससे पहले ये सुपरटेक की बिल्डिंग है। अब हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। ये सेक्टर 17A में काफ़ी सारे और भी इंस्टीट्यूशनल और यूनिवर्सिटी के प्लॉट्स हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कुछ प्लॉट इस प्रकार से हैं। स्काईलाइन इंस्टीट्यूट, उनके पास 25 एकड़ की लैंड है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसके सामने हम चल रहे हैं, ये 52 एकड़ की लैंड है। लॉयड इंस्टीट्यूट है एक, जिसके पास 50 एकड़ की लैंड है। बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट है, जिनके पास 30 एकड़ की लैंड है। GL बजाज है, उनके पास 25 एकड़ की लैंड है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और क्या क्या है। अब हम आ गए हैं तिरंगा गोल चक्कर पे। ये धनकौर का मेन गोल चक्कर है। यहाँ से आप JP ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, JP क्रिकेट स्टेडियम के लिए जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप दाईं तरफ यमुना एक्सप्रेसवे को पार करेंगे तो ये रास्ता आपको JP ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी की ओर पहुँचाता है। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के साथ सीधे सीधे चलेंगे तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर गौर यमुना सिटी स्थित है, जो कि एक दूसरी टाउनशिप है, जिसके बारे में अभी हम आपको और आगे चलकर विस्तार में बताएंगे। तो आइए इस तिरंगा गोल चक्कर को घूमते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं गौर यमुना सिटी। आने वाला है गौर यमुना सिटी का मेन एंट्री गेट। थोड़ा वेट कीजिए, देखिए ये आ गया गौर यमुना सिटी का मेन एंट्री गेट। यहाँ से हम एंट्री करते हैं गौर यमुना सिटी के अंदर। गौर यमुना सिटी 250 एकड़ का एक टाउनशिप है, ये बहुत बड़ी टाउनशिप है इसके अंदर, और लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है। गौर यमुना सिटी को गौरसंस इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है। गौर यमुना सिटी टाउनशिप के अंदर लेक हैं, गार्डन हैं, और बहुत ही खूबसूरत विला बने हुए हैं। यहाँ पे प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, लगभग 2000 यहाँ पर विला बने हुए हैं और 20,000 के आसपास यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं। इसके साथ साथ गौर यमुना सिटी के अंदर अस्पताल भी है, स्कूल है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, जो कि लगभग बनके तैयार है। जब आपको एक बिल्डिंग दिख रही है ये GYC गैलेरिया है, ये कमर्शियल हब है यहाँ पर, जो कि गौर यमुना सिटी के अंदर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। ये जो पीछे टावर्स दिख रहे हैं सारे के सारे रेजिडेंशियल टावर्स हैं, इनके अंदर लोग आ चुके हैं, लोगों ने रहना शुरू किया। ये एक 250 एकड़ की बहुत सुंदर टाउनशिप है। अब जो आपको दिखने जा रहा है ये एक दूसरा कमर्शियल है, ये लॉर्ड कृष्णा मार्ट है। ये लॉर्ड कृष्णा मार्ट है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य विशाल मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बनने के बाद बहुत ही सुंदर प्रतीत होगी, बहुत ही सुंदर दिखाई देगी, और ये मैन यमुना एक्सप्रेसवे से बहुत ही भव्य रूप में दिखाई देगी। अब आगे आगे चलते हैं, आपको आगे की सैर कराते हैं कि हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे पे और क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। ये गौर यमुना सिटी का लास्ट पॉइंट आ गया, आइए आगे चलते हैं।
ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। जब आप सेक्टर 18 से यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ सर्विस रोड के द्वारा सेक्टर 20 की ओर जाएंगे तो यह पेट्रोल पंप आपको बीच में मिलेगा। अगर आप यहाँ सेक्टर 18 या 20 में प्लॉट लेकर उसमें घर बनाते हैं तो यह आपके लिए सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप है। साथियों, हम खड़े हैं सेक्टर 18 और 20 के टर्निंग पॉइंट पर। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में सेक्टर 18 जाने के लिए रास्ता है। ये दोनों ही रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। राइट साइड में सेक्टर 20 है। सेक्टर 18 और सेक्टर 20 2009 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अलॉट किए थे और इनके अंदर 300, 500, 1000, 2000 और 4000 मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं जो कि स्कीम में 2009 में आए थे और उस समय ये लगभग 16000 प्लॉट थे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इस सेक्टर का पेशन देने का जो टाइम दिया था वो 2013 का टाइम था, मगर यहाँ के कुछ किसान मुआवजे में कमी की बात कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन लोगों के फेवर में डिसीजन दिया और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को एडिशनल कंपनसेशन यानी किसानों को अधिक और मुआवजा देना पड़ा, जिसका भार इन आवंटियों पर भी पड़ा है और इन आवंटियों को अधिक पैसा देना पड़ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को। साथ ही इनका पेशन भी डिले हो गया। अभी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 2018 से कुछ प्लॉटों का पेशन देना शुरू किया है। रिसेंटली जेवर एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट और उसकी डेवलपमेंट के साथ में इस क्षेत्र में, इस एरिया में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुकी है। आज के समय में हम बात करें तो सेक्टर 18 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक डेडिकेटेड एरिया अपने पास रखा हुआ है जिसमें कि कमर्शियल हब बना रहे हैं। उसके अंदर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं और काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेक्टर 18 में डेवलप होना अभी बाकी है। साथ ही बताना चाहेंगे सेक्टर 18 में ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का ऑफिस भी प्लान्ड है जो कि अभी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा के अंदर बना हुआ है। उसको यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्थानांतरित करने का प्लान है। जेवर एयरपोर्ट के लिए मेट्रो भी प्लान्ड है जो कि नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा से होते हुए और सीधे यमुना एक्सप्रेसवे के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाएगी जो कि एयरपोर्ट से सीधे कनेक्ट करेगी और वो इसी सेक्टरों से होते हुए गुजरेगी ताकि यहाँ की रेजिडेंशियल आबादी को मेट्रो का बेनिफिट दे सके। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी रैपिड मेट्रो लाने का भी प्लान कर रही है। इसके ऊपर हम फिर कभी विस्तार में बात करेंगे। आइए अब हम आपको कुछ प्लॉट्स की एक्चुअल साइट विजिट कराते हैं। यहाँ पे 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर के प्लॉटों की अभी क्या कंडीशन है, इन ब्लॉक्स के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इनके रोड की क्या कंडीशन है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या डेवलपमेंट है, तो आइए आपको हम यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 18 और 20 के टूर पर ले चलते हैं। रियल एस्टेट कस्टमर्स की एक बहुत आम समस्या होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेचें या कैसे खरीदें। उसको अनरिलायबल सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक पोर्टल डेवलप किया है www.propman.in, जहां पर जाकर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और यहां पे आपको अपनी प्रॉपर्टी का किराएदार और उसका खरीदार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। आइए अब चलते हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की प्लॉट्स की साइट पर, हम एक्चुअल कंडीशन देख के आते हैं। ये सेक्टर 20 का पॉकेट बी है। इस सेक्टर में देखेंगे हम सारे का सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम हो चुका है, रोड बन चुके हैं, लाइट का काम हो चुका है, सीवर लाइन डल चुकी है और कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने मकानों का कंप्लीशन भी कराना शुरू कर दिया है, तो यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं सारा का सारा रोड का काम कंप्लीट है। अब कभी भी आके यहाँ पे मकान बनाए जा सकते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यहाँ पे मकान बनाने के लिए पेनल्टी भी स्टार्ट कर दी है। जो लोग मकान नहीं बनाएंगे उन पर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। सेक्टर 20 बी ब्लॉक, इस सेक्टर के बिल्कुल सामने यमुना एक्सप्रेसवे है और आप शायद देख पा रहे हो मेरे कैमरे के अंदर
वो आपको ATS का प्रोजेक्ट दिख रहा है जो कि बिल्कुल तैयार है, रेडी टू मूव इन है। तो सेक्टर 20 के अंदर आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट है। यह सेक्टर 20 की पॉकेट बी की रोड है जो कि काफ़ी चौड़ी रोड है, मैं समझता हूँ 18 मीटर वाइड रोड है। हम खड़े हैं दोस्तों सेक्टर 20 के मेन रोड पर। यह मेन रोड डायरेक्ट कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के मेन एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे से आप नीचे उतरेंगे, इसी रोड पर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रोड का काम पूरा हो चुका है, वाटर टैंक आ चुका है और वाटर टैंक से पानी की सप्लाई भी की जा सकती है, परंतु यहाँ पर लोग रहने अभी नहीं आए। तो ये देखना है कि इस क्षेत्र में लोग अपने आशियाना कब तक बनाते हैं। लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट करें, ग्रो करें। और गवर्नमेंट की काफ़ी परियोजनाएं भी इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन लोगों को आके यहाँ आशियाना बनाने में कितना समय लगेगा ये देखना हमारे को बाकी है। आइए अब चलते हैं सेक्टर 18 की तरफ। साथियों, हम खड़े हैं सेक्टर 18 के मेन एंट्री पॉइंट पर। ये सीधा यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है। अब हम जाएंगे सेक्टर 18 के अंदर, सारे ब्लॉक्स को देखेंगे, यहाँ के रोड, सीवर, पानी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, उन सब की क्या पोजीशन है, लोगों ने अपने मकानों में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वहाँ पे कंप्लीशन हो चुके हैं। आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हैं। आए हैं सेक्टर 18 के पॉकेट आई की तरफ। ये पॉकेट आई का पार्क है, आप देख रहे हैं पार्क भी पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, रोड बन चुके हैं और सारी चीजें तैयार हैं रहने के लिए। सेक्टर 18 पॉकेट आई का पार्क, आप देख रहे हैं पार्क पूरी तरह से तैयार हो चुका है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, सेक्टर 18-20 की डिटेल वीडियो जो हमने बनाई है आपके लिए। कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी वाली लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।